चल हटिए तो हटिए साहब, उधर से देखो दुनिया वाले के लिए सहरसा का इधर भी असाली लोग बिहार के बाहुबली नेताओं में शामिल आनंद मोहन इन दिनों जेल से बाहर है। बेटी की शादी को लेकर उन्हें 15 दिनों की पैरोल मिली है। इसी बीच राजधानी पटना में आनंद मोहन की बेटी सुरभि आनंद की सोमवार को सगाई हुई, जिसमें मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव समेत बिहार की सियासत के कई दिग्गज शामिल हुए। आनंद मोहन ने खुद उनका स्वागत किया। सुरभि आनंद रिंग सेरेमनी में डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने उन्हें लिफाफा दिया तो सीएम नीतीश कुमार ने उनकी बेटी को आशीर्वाद दिया। इस दौरान सबसे बेहतर तस्वीर जाप सुप्रीमो पप्पू यादव की सामने आई है। पप्पू यादव उनके साथ लिपट करके उन दिनों को याद कर रहे हैं जिस दिन सियासत में बाहुबल का बोल चला था। ज्ञात हो के आनंद मोहन डीएम जी कृष्णैया के हत्या मामले में जेल में बंद हैं। उन्हें पहले फांसी की सज़ा दे दी गई थी और उसके बाद जब सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया तो सुप्रीम कोर्ट ने इस सज़ा को उम्र कैद में बदल दी थी और आज से 14 दिन के लिए उन्हें पैरोल मिली, जिसके बाद आनंद मोहन जेल से बाहर आए थे और उनकी बेटी की शादी थी। साथ ही साथ उनकी बूढ़ी माँ के मामले को लेकर के भी उन्होंने कोर्ट से गुहार लगाई थी। जब रिंग सेरेमनी थी उस दौरान जाप सुप्रीमो पप्पू यादव पहुंचे और आनंद मोहन के साथ गले मिलते नजर आए। गर्मजोशी से उनका आनंद मोहन ने इस्तकबाल किया और पीठ थपथपाई। साथ ही साथ उनकी बीवी लवली आनंद पप्पू यादव से कुछ इशारा करते नजर आ रही है। तो कुल मिलाकर के सियासत के दिग्गजों का ये मानना है कि एक वक्त ऐसा था कि जब मुन्ना शुक्ला, आनंद मोहन, पप्पू यादव और शहाबुद्दीन समेत कई बाहुबली नेता एक साथ बैठते थे और बिहार की राजनीति को उलट फेर करने का प्लान बनाते थे। उन दिनों को भी याद किया जा रहा है। जाप सुप्रीमो पप्पू यादव जैसे ही आनंद मोहन के घर पहुंचे, वहां पर देखिए किस तरह से उनका गर्मजोशी से स्वागत किया गया और इस दौरान कई बार आनंद मोहन उनकी पीठ थपथपाते नजर आए। सहरसा और सुपौल की भी बात यहाँ पर करते हुए नजर आ रहे हैं। शादी के प्रोग्राम को लेकर के पहले से ही तैयारियां जोरों पर ही और इस दौरान पुराने ही अंदाज में जो है बाहुबली आनंद मोहन नजर आए। रिंग सेरेमनी में विजय चौधरी और मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री संजय झा के अलावा कई सियासत के बड़े दिग्गज वहां जो है शामिल होने के लिए पहुंचे थे। इस दौरान वर वधू को दोनों ने मुबारकबाद दी। डीएम हत्याकांड में आनंद मोहन को उम्र कैद की सज़ा हो गई थी और 2007 में उन्हें निचली अदालत ने मौत की सज़ा सुना दी थी। उसके बाद पटना हाईकोर्ट ने दिसंबर 2008 में मौत की सज़ा को उम्र कैद में बदल दिया था। बाद में सुप्रीम कोर्ट ने भी जुलाई 2021 में पटना हाईकोर्ट के फैसले को बरकरार रखा और अभी वो पैरोल पर जेल से बाहर है। आनंद मोहन ने इस दौरान सीएम नीतीश कुमार के अलावा डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव, वित्त मंत्री विजय चौधरी, जल संसाधन मंत्री संजय झा और मंत्री सुमित सिंह समेत राजनीति के कई दिग्गजों का स्वागत किया। लेकिन इस दौरान लोगों की जो नज़र है वो खींचती हुई नज़र आई। पप्पू यादव और आनंद मोहन की जो तस्वीर सामने आई है, गले मिलने का जो विजुअल आया है कि देखिए किस तरह से पप्पू यादव आनंद मोहन से गले मिल करके चिपक करके काफ़ी देर तक एक दूसरे के होने का एहसास करा रहे हैं। सियासत में ये दोनों बाहुबली नेता भी बहुत मशहूर है और कहा जाता है कि आनंद मोहन के साथ जो है पप्पू यादव कई ऐसे राजनीतिक इशू पर मशवरा करते रहे हैं और पप्पू यादव ने भी जब उन्हें पैरोल मिली थी तो खुशी का इजहार किया था। बोला